अब जल्दी चलो भगवान, हम लेट हो गए हैं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, सरकार बदलने के बाद ट्रेन टाइम पर चलने लगी। मुझे माफ कर दीजिए। ए, ये क्या है? अपनी इस मुर्गे जैसी टांग से तू इन दोनों सीटों के बीच आने जाने के लिए फ्लाईओवर बना रहा है क्या? चल हटा ये फाटक। अरे हटो हटो। सुनो भाई, क्या हुआ? आपने मेरी बीवी को देखा ना? क्या? जिसने लाल साड़ी पहनी है, है? वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर थी। नहीं तो? अरे तुझे क्या पता, मैंने उसे गंगू हलवाई के साथ देखा था, अब तक तो भाग गई होगी। क्या कहा, भाग गई होगी? ये तो बड़ी अच्छी खबर है। भीड़ कम कर। बता दीजिए ना, कितना हॉट है बेचारा। तू ही जाकर बता देना, इतनी खुजली हो रही है तो। हॉट लगे तो शादी भी कर ले। मैंने क्या रेलवे इंक्वायरी का ऑफिस खोल रखा है जो बताऊं? ए हां, लग जाता तो। किसको? लड़की के ऊपर बैग फेंका। कहाँ है लड़की? कहाँ है? आने वाली है, अभी अभी उसी सीट पर झाड़ू पोछा लगाया है इन्होंने। ये बात। और आने के बाद क्या होगा? पहले तो इन दोनों की आंख लड़ेगी, आंख लड़ने के बाद बात बढ़ेगी और फिर लव, शादी और हनीमून होगा। माँ वाली बात बता। फिर उसके बाद इसके बच्चे की माँ बनेगी। अबे अकल के गंजे, अभी तो इसने जाल भी नहीं छोड़ा और तू मछली तल के खा रहा है। जाल में मछली फंसने तो दे। मैंने बैग रख दिया है और हम यहीं बैठेंगे, जो करना है कर ले। जब वो आएगी सीट खाली चाहिए, वरना खड़ा नहीं हो पाएगा। तो स्टेशन आने पर ही होगा। कल्टी सुनिए जी, जब वो इतनी इज्जत से बात कर रहा है तो उठ जाइए ना। करम जली, मुझे उठने को कह रही है? इस लौंडे को सपोर्ट कर रही है? बता दे कौन लगता है ये तेरा। इतना अच्छा लगा है तो जाकर झप्पी दे दे उसे। सुनिए, उनकी बात मान जाइए ना प्लीज। बीवी मेरी है कि तेरी है? लव एट फर्स्ट साइट हो गया। चुप चुप बोलिए, मेरी भी फैमिली है और ये मेरी बहन जैसी है। कहाँ से आ गई फैमिली? मेरी बीवी तेरी बहन तो तेरी बीवी भी मेरी बहन होगी या नहीं? बाप रे, अच्छा हुआ मैं अपनी बीवी को साथ में नहीं लाया। चल मेरी लुंगी निकाल। हेलो। हाँ बाबूजी, हम सब ट्रेन से ही आ रहे हैं। अगर आपने कुछ पैसे बचाए होते तो प्लेन से आते। ट्रेन में कपड़े बदलना कितना मुश्किल होता है, आप क्या जानो। भाई साहब ये क्या है? कच्चा है, मुंह पोछ ले। है? नहीं बाबूजी, आपको नहीं कह रहा, यहाँ भी एक बेवकूफ बैठा है। फोन रखिए। बबलू को खेलने के लिए चाहिए थी गुड़िया, पर बबलू के नसीब में निकली है बुढ़िया। राजा 70 mm की पिक्चर लगी है, सी एंड एंजॉय। 70 mm की पिक्चर लगी है, सी एंड एंजॉय। बंद रख वरना नारियल फोड़ दूंगा। लगता है आप गलती से यहाँ बैठ गई हैं। ये शैलजा की सीट है। आई एम दैट शैलजा। भरी जवानी में शैलजा बूढ़ी हो गई, बट एज इज 24 ना। तुम्हें कोई शक है हैंडसम? रेलवे डिपार्टमेंट ने ही मेरी उम्र 74 के बजाय 24 कर दी। लगती हूँ ना मैं कमसिन कली जैसी। शैलजा जी, वैसे रेलवे की सीट इतनी साफ तो होती है नहीं, लेकिन आप बैठेंगी ये पता था इसलिए इसने आपकी सीट पर पूरा झाड़ू पोछा लगाया है। रियली सो स्वीट ऑफ यू। माफ कीजिए, लगता है मैं गलत सीट पर बैठ गया हूँ। सॉरी। क्या आप मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी दादी? उधर लौंडे कम हैं जो आप वहाँ से उठकर यहाँ आ गईं। You naughty boy, सीट को लेके कंफ्यूजन तुम्हें नहीं मुझे था। This is my seat। दादी कंफ्यूजन बढ़ा रही। दवाई कड़वी है क्या? मैंने इसमें वोडका डालने को कहा लेकिन शॉपकीपर ने गलती से विस्की डाल दिया। Have a sip? नहीं नहीं नहीं, मैं अभी तक दूध ही पीने का आदी हूँ दादी। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे एक सिप। It's okay. दादी आप फिर से आ गए? तुम्हें कुछ दिखाना है, चलो मेरे साथ। चलो। क्या देखिए भाई साहब, इस तरह अगर फैमिली रिलेशन बनाने हैं तो पूरी फैमिली को साथ लेकर चलना चाहिए, है कि नहीं? अकेले मरने से क्या होगा?
अकेले आए हो, दादी को कहाँ छोड़ा है? अपनी बीवी को संभालना। Hey, handsome, सुनो 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 ना, कैसी लग रही है? देख नहीं पा रहा हूँ। कैसी है? सुपर। तुम बात कर बात कर। Excuse me? Water, water, कहाँ गई? पानी की बोतल। क्या कर रहा है? पानी दे, पानी, 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 पानी। नाम क्या है तुम्हारा? सिद्धार्थ कुमार, दोस्त मुझे सिद्धू कहकर बुलाते हैं, तुम सिद्ध कह सकती हो। और तुम्हारे पापा का नाम क्या है? कृष्ण राव, उनके बाप का नाम है बाबू राव। तुम्हारा ब्लड ग्रुप कौन सा है? सेम लाइक मी, बी पॉजिटिव। और तुम्हारी हेल्थ कंडीशन? टॉप टू बॉटम टंटनाटन, एक घंटा जिम करता हूँ, दो घंटा तैरता हूँ, छह महीने में फुल बॉडी चेकअप और हर तीन महीने बाद ब्लड डोनेट करता हूँ, परफेक्टली ओके हूँ। तुम्हारी शादी हो चुकी है? ये तो इस दादी से भी बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड है, मजा आ गया। एक्सपीरियंस तो नहीं है, चलेगा तुम्हें? तुम्हारे घर वाले ऑब्जेक्शन तो नहीं उठाएंगे ना? अरे नहीं, वो तो इसी घड़ी का इंतजार कर रहे थे। मैं राजी तो समझो, वो भी राजी हो जाएंगे, नो टेंशन एट ऑल। तुम राजी हो ना? मेरी तरफ से भी ओके है, बस इस पर साइन करना रह गया है। साइन किस लिए? ऑर्गन्स डोनेट करने से पहले डिक्लेयर करना पड़ता है ना, इसीलिए साइन चाहिए। ऑर्गन डोनेशन? वैसे तुम काम क्या करती हो? स्टडीज कंप्लीट हो गई हैं, एक एनजीओ के साथ काम कर रही हूँ एज अ वॉलंटियर। सुना राजा, खा पी के तूने जो सब बढ़ाया है उसे लोगों की भलाई के लिए दे दे राजा, लगा दे थप्पा, लगा दे। थैंक यू वेरी मच। टारगेट के हिसाब से मुझे 9 लोगों के साइन और चाहिए, तुम पहले हो। 20 बोगी वाली ट्रेन में इतना बड़ा बम मुझ पे ही फोड़ा? कोशिश तो बहुत की थी मैंने, लेकिन ऑर्गन डोनेशन में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। इंटरेस्टेड है ना, ये दोनों। आहा। क्यों रे चपर गंजू, मरने के बाद क्या प्लान है? मेरी तरफ देखना भी मत, मेरे किडनी में स्टोन है, हार्ट में होल है, ब्लड में इन्फेक्शन है, लीवर में सूजन है, सारे ऑर्गन्स वेस्ट है। इसका तो जिंदा रहना ही वेस्ट है। ये मयूर भाई तो बहुत स्ट्रॉन्ग लगते हैं। कर से वर्से भूल ही जाओ, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। इसको डोनेशन दिया था, ये रिजल्ट निकला, 5 बार मैट्रिक की एग्जाम दी लेकिन अब तक एक बार भी पास नहीं हो पाई। जीजाजी को बहन डोनेट की, दूसरे ही दिन वो भी चल बसा। पड़ोसी को सूट डोनेट किया, उसकी बीवी भाग गई। इसीलिए कहता हूँ मुझसे कुछ डोनेट मत करवाना। इट्स ओके, जरूरी नहीं है। अरे ये क्या, इतनी जल्दी क्यों हार मान गई? ट्रेन में बहुत सारे ऑर्गन्स पड़े हैं। तुम्हारा टारगेट अब से मेरा तुम्हारा टारगेट, मैं अभी ऑर्गन लेकर आता हूँ। अरे उजड़े चमन सुन, ये जो रोमियो का भतीजा है ना, ये जूलियट का टारगेट अचीव करा देगा, ताकि उसका टारगेट भी अचीव हो। चले जाजी, हिलता डुलता पुर्जा मिल गया, शी इज माय दादी। नमस्ते। यू आर ब्यूटीफुल। सॉरी सॉरी वेरी सॉरी, ट्रेन कुछ ज्यादा हिल रही है ना। सुनो ए टकलू, ये जिसे भी ऑर्गन डोनेट करेगी वो यूं ही हिलता रहेगा। अरे क्या बोल रहा है, छोड़ो ना इस लुखे पर ध्यान मत दो। शैलेजा जी, मेरी दादी इस नेक काम के लिए रेडी है। बढ़िया ही नेक काम करने वाली, किसी को डोनेट करने के लिए इसके पास बचा ही क्या है? कंकाल को कपड़ों से सजाया है, टोपी के नीचे तो कुछ होगा भी नहीं। यू फूल, ओए हैंडसम, ये दोनों मिलकर खिचड़ी पका रहे हैं, मैं इसे कंट्रोल कर लूं। दादी चढ़ी हुई उतर जाएगी, बैठ जाइए। आप डिटेल लिख लीजिए, मैं दूसरा बकरा ढूंढ के आता हूं। रुको। स्मार्ट है, बॉडी भी स्ट्रांग है, चलो फॉर्म भरना शुरू करो। अगर हार्ट इतना ही वीक है तो इतनी स्ट्रांग लेडी से पंगा क्यों लिया? बढ़िया स्ट्रांग नहीं, दवा दारू स्ट्रांग है, मौका देख कर चौका मारना पड़ेगा। ट्रेन से उतरने के बाद नहीं तो क्या घर पहुंच के पूनम के चांद? जानी जानी। यस पापा। ईटिंग शुगर? नो पापा। टेलिंग लाइज? नो पापा। ओपन योर माउथ? हा हा हा। इतनी जल्दी बेटा भी हो गया? ये चुप रहे। सुनो मैडम, ये बिल्कुल रेडी है, फॉर्म भरो ना। इसकी डिटेल्स क्या है? तुमसे बड़ा दिल है इसका, बच्चा उसे भी डोनेट करने के लिए रेडी है। ये क्या, अब ये इससे ऑर्गन डोनेट करवाएगा? इतना भी नहीं जानता, अभी इसकी बॉडी ठीक से फॉर्म भी नहीं हुई। इसका इतू सा दिमाग होगा, इतू सी किडनी होगी, इतू सा लीवर होगा, इतू सा हार्ट होगा, सब कुछ छोटा सा, ये छोटा छोटा मैडम के क्या काम आएगा? चुप रे काली जुबान, मैडम डिटेल लिखिए ना। देखो पहले पूछो तो, इसे अपनी मम्मी का नाम भी पता है? नाम ही क्या, स्पेलिंग भी बोलेगा। तो पूछो बेटा, मम्मी का नाम बोलो। मम्मी का नाम मम्मी। देखा मैंने तो कहा ही था, इसकी मम्मी का नाम है मम्मी, डैडी का नाम बोलेगा डैडी। इस मासूम से ये सब करवाना ठीक होगा क्या? ये क्राइम नहीं होगा?
तुम्हारी भयानक शक्ल देखकर बेचारा डर गया है और मत डराओ उसे। डरा नहीं रहा, उसे बचा रहा हूँ। सिद्धार्थ वो एक सेकंड रुको, आइसक्रीम चॉकलेट टॉफी जो मांगोगे मिलेगा। एक बार मम्मी का नाम बताओ। एक्चुअली बच्चे ऑर्गन डोनेट नहीं कर सकते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस मासूम बच्चे को इस कसाई से बचाने के लिए। देखा ना टकलू, इस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए ये बुढ़िया को मार रहा है, बच्चे को दाव पर लगा रहा है। चले बच्चे, जहाँ से आया था वहाँ वापस जा। चल मम्मी बचा। कहा था सारा मुंह बंद करना, रुला दिया बच्चे को। गोलू क्या हुआ, किसी ने मारा तुझे? बहन जी आपके गोलू को मैंने बचाया है, इसकी बलि चढ़ा देता इसे पटाने के चक्कर में। ये कीड़े पड़ेंगे तुझे, लड़की पटाने के लिए बच्चे का सहारा लेता है। ऐसा क्यों कह रही है, ऐसा तो कुछ नहीं है। बिना गाना सुने चुप नहीं होगा। कोई इस बच्चे को चुप करा सकता है क्या? ए तूने रुलाया ना, तेरी ड्यूटी बनती है। चल मेरा तो मौन व्रत है, इसी से कहो गाना गा के चुप कराए। जरूर गाऊंगा, दो बार मुझे प्राइज मिल चुका है। पता है दो प्राइज किस लिए मिले होंगे? एक गाना शुरू करने के लिए और दूसरा प्राइज गाना बंद करने के लिए। सर मैं बात करूं, सिद्धार्थ एक गाना गाओगे प्लीज? हाँ, जल्दी करो, शायद चुप हो जाए। चल आ जा। सारे सुर रेडी है। ये देखो जरा इस बच्चे की हालत देखो, मुंह इतना खुल गया इसमें पूरा लड्डू चला जाए। बेचारा, लड्डू पे मक्खियाँ भी भिन-भिना रही हैं। ए मुंह में कुछ नहीं है रे। कुछ नहीं है तो खिलाना लड्डू। बहन जी खड़ी क्या है, ले जाइए इसे। चल 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 चल। एक्सक्यूज मी, बच्चे के मुंह में छेद हो गया था पूरा 2x2। ए भैया थोड़ी देर पहले नहीं आ सकते थे? कब से इसके अत्याचार सह रहा हूँ, हमें कहीं और सीट दिलवा दो, हम चले जाएं। अपना टिकट दिखाइए। ए टिकट निकाल यार, तेरी टिकट मेरे पास कैसे होगी? कच्चे की जेब में पड़ी है, ला दे। अब जल्दी से जल्दी हमें दूसरी सीट दिलवा दीजिए। सीट चेंज नहीं हो सकती, ऑलरेडी डेट चेंज हो चुकी है। तो ये कल का टिकट था। 3,000 की पेनल्टी भरनी होगी, जल्दी लाओ। मेरे पास सिर्फ 200 रुपए हैं। तेरे पास पैसे हैं तो देना। चलो डेट नहीं देख सकते थे। पुलिस को बुलाता हूँ मैं, नहीं तो शकल से भिखारी लगता है। चलो अभी। क्या भैंसे की तरह बैठी हो, जा जा जल्दी जा। अच्छा तो ले लो, डालो इसे बैग में। ये सब तेरी वजह से हुआ है मनहूस। ए लाउडस्पीकर रुक। हाँ बोल। सुबह से तेरी नौटंकी देख रहा हूँ। क्या दादी आई थी तो तुझे प्रॉब्लम थी, बच्चे को ला तो प्रॉब्लम। ए तू मेरा सगा बाप लगता है? नहीं तो मेरा मामा लगता है? बिल्कुल नहीं। मेरा दोस्त लगता है? नहीं। क्या प्रॉब्लम है? हैं? फ्लर्ट क्यों कर रहा था तू? फ्लर्ट करूं या लेके भागूं, तुझे क्या प्रॉब्लम है? लड़की को मैं पटाना चाहता था। बगल में बीवी होते हुए लड़की पटाएगा ठरकी साले तुझे तो। रुक जा हैंडसम, रुक जा। इस क्रैक का स्क्रू तो मैं टाइट कर लूंगी। तेरे साथ जो लड़की बैठी थी वो उस गेट की तरफ गई, वहाँ जा जल्दी जा। हाँ लेकिन इसे छोड़ना नहीं। हाँ क्यों रे, हीरो बनता है। मैडम मेरा कॉलर छोड़िए। वरना क्या कर लेगा? पहले छोड़िए तो। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। अरे देखो मेरे वो आ गए। ये कौन है? मैडम के पति, इस घर के घर जमाई। बैकग्राउंड म्यूजिक क्यों चेंज हो गया? अरे ऐसा मत कहो, ये ज्ञान मूर्ति ध्यान मूर्ति है। कहीं इनका नाम गुरु मूर्ति तो सही नहीं? पकड़े हैं, लेकिन मैडम इन्हें सेमी स्वामी जी कहती हैं। सेमी स्वामी? आशीर्वाद। उठो बालक, उठो। अरे बेटी ये बालक कौन है? बचपन में घर छोड़कर भाग गया था वो पिच्चेश्वर। चेहरा दिखाओ। अरे आशीर्वाद ले ले। परम ज्ञानी से बात करना मोक्ष मिलने के समान। और क्या बात, ज्यादा से ज्यादा समय ये आश्रम में ही बिताते हैं, भक्ति में ही इनकी शक्ति है। शाम होते ही ये पूजा अर्चना के लिए मंदिर जाते हैं और तपस्या करके ही सुबह घर आते हैं। सुबह हो या शाम, बस भजन और कीर्तन से ही मिलता है इनको आराम। मुझे भूल जाते हैं लेकिन आरती करना नहीं भूलते। आरती, आरती। जब भी ये पूजा आरती और आराधना करके आते हैं इनके चेहरे का तेज ही कुछ और होता है। आप सब एक मिनट के लिए अंदर जाइए, मुझे इससे कुछ ज्ञान की बात करनी है। जैसा आप कहें गुरुजी। ठीक है, ठीक है। आओ। बेटा, जरा एक क्षण के लिए अपनी सूरत यहाँ घुमाओ तो। आशीर्वाद दीजिए। अबे तू? अच्छा पहचान लिया, तू तो पिचेश्वर नहीं है। नहीं हूँ। सब लोग यहाँ आ जाओ, जल्दी आओ, मुझे कुछ बताना है। आप भी आइए, कुछ पोल खोलनी है। क्या करने की कोशिश कर रहा है तू? मेरा पोल कैसे खोल लेगा? मेरी पोल खुली तो तेरी भी लंगोटी छूटेगी। तेरे पास कौन सा सीक्रेट है? वो ए ग्रेड सीक्रेट बताएगा, मैं तेरा सी ग्रेड सीक्रेट बताऊंगा। तुझ पे भरोसा कौन करेगा? डांस बार वाले सीसीटीवी फुटेज 1 साल तक रखते हैं। आ गए सभी लोग, आ गए। इतने प्रतिभाशाली बालक को देख के कविता याद आ गई, घर का प्यारा पंछी।
क्या कहा? घर का प्यारा पंछी। हाँ, घर का प्यारा पंछी, चाहे नॉर्थ जाए या नॉर्थ ईस्ट जाए, लौट के बुद्धू घोंसले में ही आए। वाह 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 वाह। अपने अपने कमरों में जाइए। ठीक है जी। ये थर्ड क्लास कविता सुनाने के लिए बुलाया था। इंस्पिरेशन मुझे आपसे मिलती है। तेरी तो कहाँ गया? रुक जा, कहाँ जा रहा है नकली पिचेश्वर? अरे बाथरूम जाना है सेमी। लाइफ में मैंने तुझ जैसे बहुत फ्रॉड देखे, मैं तुझे सीधा करके रहूंगा। तेरा प्रवचन मतलब भिखारी का इंडियन इकोनॉमी पर लेक्चर है। माफ करना छोटे मालिक, ये गेस्ट बाथरूम है। आपके कमरे में भी बाथरूम है। आपके बचपन का कमरा जैसा था वैसा ही रखा है। हाँ ठीक है, चल कमरा दिखा। आपको नहीं पता आपका कमरा कहाँ है? मुझसे सवाल करेगा? गलती हो गई छोटे मालिक। झोल के बारे में कुछ पता है? झोल वोल के बारे में मुझे कुछ नहीं पता माँ कसम। हाँ, सलमान भाई के बारे में थोड़ा बहुत पता है। सलमान के भाई का नाम बता। सलमान का भाई भी है? इस बेईमान के साथ मेरी बातें सुनी तूने? मालिक, खबरदार जो ने बेईमान कहा। इतना सम्मान? बेईमान के साथ फ्रॉड और बदमाश भी जोड़िए। एक बार नहीं, 100 बार कहूंगा यू फ्रॉड। बहुत डीप रिसर्च किया इसके बारे में। एक्स्ट्रा डीप रिसर्च। इस लोफर के बारे में दो राज बताता हूँ। हाँ, उगल जा। पहला राज, ये पाखंडी। दूसरा राज, ये पाखंडी ही मेरे पापा है। क्या कहा? तुम्हें इनके वीक का शेड्यूल बताता हूँ। मंडे को अर्चना, ट्यूजडे को पूजा, वेंसडे को तपस्या करते हैं, बाकी दिनों में आरती करने जाते हैं। यस, मैं उसी आरती का बेटा हूँ। वो तो मेरी मम्मी ने राज बता के मुझे यहाँ भेजा है। यहाँ स्वामियों ने कर्नाटक करके पूरी फैमिली को उल्लू बनाते हैं। तुम घर वालों को सच क्यों नहीं बताते? अरे बताने से भी क्या होगा, मेरे साथ इनको भी लात मार के गेट आउट कर देंगे। Then this old man chucky pissing and I becoming assistant. उसके बजाय यहाँ रुक के इस फैमिली का असिस्टेंट बनूंगा, यही मेरी प्रतिज्ञा है। तेरी कोशिश को मैं साकार करूंगा, पर मेरी मदद करनी होगी। अब आना मतलब की बात पे, क्या मदद करनी है? टेल मी। फूफा तुम निकलो। वाह, अब तक मेरी हिस्ट्री ज्योग्राफी निकाल रहे थे, अब अपने मतलब की बात आ रही तो भगा रहे हो? यहाँ जा रहा हूँ। किशोर फ्रॉम इंदौर। हाँ तो तुम दोनों मुझे बहुत प्यारी लगी, और तुम तो अमावस की चांद लगती हो, और तू काली रात। तुम्हारा नाम? तुझे क्या बता भी तो चांदनी, बात करने में आसानी होगी। सरोज। सरोज मैं कम्मो। डबल सिम वाले मोबाइल नाम किसने पूछा? चार्जर चाहिए था इसलिए बताया। एक बात बताओ सरोज, तुम किसी हीरोइन से कम नहीं लगती, मुंबई जाके क्या करोगी? वहाँ जाके मूंगफलियाँ बेचूंगी। तू क्या करता है? समाज में खुशहाली लाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ बदनसीबों के लिए, मंदिरों में जाके दान करता हूँ। मदर टेरेसा और ब्रदर नंद किशोर यही कहते हैं। मैंने गांव के स्कूल के ब्लैक बोर्ड को काले किया है, बिना खर्च के परवाह किए पुण्य का काम किया है, और उसके बाद अस्पताल में मैंने बांटे हैं 6 apple 5+1, सारे पेशेंट को मैंने बराबर बांट दिए। पर उसके लिए तो उन गरीबों के हालात को देखते हुए खटाखट काट के सारे पीस उनमें बांट दिए। तो ये सब मुझे क्यों बता रहा है? आता हूँ, I'll come to the point. I'll come to the point, सरू। मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाहता हूँ। क्या करेगा? जिंदगी बना दूंगा सरू। रोज रोज नए प्रेमी के बजाय क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो, तुम्हारी लाइफ बना दूंगा। यानी रोज एक ही मिलेगा? बहुत है। कुछ मेरे बारे में भी सोच। मिलावटी इंसान, मैंने तुम्हारा ठेका लिया है क्या? जब मैं सुंदरी से बात कर रहा हूँ तो अपनी टांग बीच में मत अड़ाओ। Keep quiet. सरू, तुम्हारे माँ बाप से मुझे कोई मतलब नहीं, जाति और धर्म से भी कोई मतलब नहीं, जायदाद और दहेज मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए। That's only my desire. Yeah. क्या रे, मेरे से शादी करनी है? थोबड़ा देखा अपना? अरे तुम क्या बात कर रही हो, अभी भी हैंडसम लगता हूँ मैं। इतना मत भड़को, शांत रहो सरू। चल बहुत हो गया तेरा, भाग यहाँ से ठिंगने बुड्ढे। अरे मैं गबरू जवान हूँ, मेरी हाइट देखो, देख लिया ना? यस। नीचे उतर, नीचे उतर, उतर। ये क्या? चल बाथरूम के पास जाके बैठ। छोड़ो, जाता है कि नहीं, चल जा। आप मेरा ही इंतजार कर रहे थे। आप कौन? राहुल। सचमुच? यकीन नहीं है?
ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ सर। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज आइए 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 जाइए सर, आइए यहाँ बैठिए ना, आइए बैठिए प्लीज बैठिए बैठिए, टेक योर सीट। आई एम शिवा। ओरिजिनल हो ना? मतलब वो तुम्हें शक हुआ कि मैं डुप्लीकेट हूँ तो तुमसे भी पूछ लिया। व्हाट डू यू मीन, मेरे ऑफिस में मेरा डुप्लीकेट कैसे आएगा? गफर, मैं भी तो राहुल बन के आया हूँ। हाँ करेक्ट 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 करेक्ट। बाय द वे ये मेरा पीए है। आई सी। नमस्ते सर। ऑफिस काफी इंप्रेसिव है। ये छोटा थोड़ा मोटा नहीं लग रहा? मुझे तो बड़ा लग रहा है सर। यस, आप दिखने में तो गबरू जवान है, आपकी उम्र क्या होगी? दो दिन पहले मैं 30 का हुआ। चौक क्यों गए? ये देखो, ये ओरिजिनल हेयर है, वेग नहीं है। बहुत मजाक करते हैं आप। ये आपको लंबा कर देंगे। वो कैसे? अरे जब से आए हैं तब से आपकी टांग ही तो खींच रहे हैं। ओ, 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 जी जा जी। आप पीना पसंद करेंगे ना? हाँ तो चलो। मेरा मतलब है कि चाय या कॉफी क्या पीना पसंद करेंगे? एक क्वार्टर ब्रांडी चलेगी। सर फिर से टांग खिंचाई? बड़े मजाकिया हैं। एक्चुअली यहाँ ज्यादा बैठा रहा तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। वो कैसे? वो क्या है ना, मेरे बहुत सारा बिजनेस है तो मुझे काफी नुकसान होगा। कौन सा बिजनेस? कई सारे बिजनेस है। जरा एक का नाम तो बताइए। मेरी कई कंपनीज हैं। एक कंपनी का नाम बता दो। कल बताओ अभी। रिलायंस। रिलायंस? अरे वो तो अंबानी की है ना, इसने कब खरीद ली? रिलायंस मतलब मैं उन्हें मटेरियल सप्लाई करता हूँ। कौन सा मटेरियल? अभी कुछ भी कह दे, राहुल बाद में संभाल लेगा। मटेरियल यानी मैं सब्जियां उगाता हूँ, वो उसे बेचते हैं। मैं पेट्रोल निकालता हूँ, वो लोग बेचते हैं। मैं उन्हें सस्ते में कपड़े सप्लाई करता हूँ और वो इंडिया भर में बेचते हैं। बात समझ में आई या कुछ दूसरा बताओ? फ्रेंकली एक बात बोलूं? हाँ बोलो। पहली नजर में मुझे आप निकम्मे लगे थे। ये तो हमसे भी ज्यादा रईस है, अपनी प्रिया बहुत लगी है सर। एक मिनट, एक बात बताओ, ये प्रिया कौन है? जिसके लिए यहाँ आया उसका नाम नहीं जानते? प्रिया की बहन। प्रिया? प्रिया तुम्हारी बहन है? ओ शिट, आज मुझे पहली बार मेरे पांडू का असली नाम पता चला। मुझे पसंद नहीं उसका नाम। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मुझे जीजा जी पसंद है, बहुत बढ़िया। तुम्हारा नहीं बज रहा है साले साहब। ओ आपका फोन बज रहा है, और वहाँ रखोगे तो किडनी पे असर पड़ेगा। ओके यहाँ रखा करो। आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। हेलो, क्या कहा? शंकर ने जाली साइन करके पैसे निकाले? अपने आदमियों को लेकर जाओ और साले की हड्डियां तोड़ दो। उसे इतना मारो कि कम से कम 6 महीना हॉस्पिटल से निकल लेना पाए। कौन था? सॉरी माफ करना, दरअसल बात यह है कि चीटिंग मुझसे जरा भी बर्दाश्त नहीं होती। सही कहा। आई सी। काश मेरा भांडा न फूटे। कहीं ने हमारे फोन वाले झूठ पर शक तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, आप जीजा जी के हाथ पे 11 रुपया रख के बात पक्की कर दो। राहुल तू आ गया? क्या हुआ राहुल? मैं आपको बुला रहा हूँ और आप पीछे देख रहे हैं। अरे टांग खिंचाई भूल गए क्या? बहुत मजा किया है आप। अच्छा एक बात बताइए, जब आप प्रिया को मिले तो आपको कैसा लगा? अब यहाँ कैसे बताऊँ? तो कहाँ बताओगे? अरे प्रिया बोलोगे तो कैसे बताएंगे? पांडू, पांडू बोलिए। ओह प्रिया का मतलब है आपकी पांडू। मेरे पांडू? मेरी बहन। हाँ हाँ। उससे पहली बार मिलके आपने क्या कहा? प्रिया ने क्या कहा? कुछ नहीं कहा। तो मैं भी कुछ नहीं बताऊंगा। प्रिया तुम्हारी बहन है तो पहले उसे बताना चाहिए। जीजा जी का मतलब ये है कि यार सुनो, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। तुम कान में खुशबू करते हो ना तो मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगता है। जो भी कहना है तुम खुल के कहो ना, खामखा मेरा बीपी क्यों बढ़ाते हो? फिर से मजा आ गया। राहुल आपसे पहली बार मिला लेकिन लगता है जन्मों से जानता हूँ। सच पता चला तो मेरा जन्म यही खत्म। अब मैं चलता हूँ। रुके, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आपको भागने की जल्दी, बैठ कर आराम से बात कीजिए। बॉस हो सकता है इनका प्रिया यानी पांडू के साथ कोई प्रोग्राम हो। बोलिए। प्रोग्राम प्रोग्राम। अच्छा राहुल एक और बात है, जल्दी बोलो। शादी की बाकी बातें पिताजी तय करेंगे। चलेगा। और सारी तैयारियां मैं कर लूंगा। ये बताइए आप दहेज में क्या लेंगे? मेरी जिंदगी। आप कैसी बात कर रहे हैं? पांडू मेरी जिंदगी है, उस पांडू को मुझे दहेज में दे दो बस। आपकी इतनी प्यारी प्यारी बात सुनकर एक भाई के कलेजे को ठंडक मिल गई। सच क्या पता चला तो उसी कलेजे का फुटबॉल बनाएगा तू। अब मैं चलता हूँ। तुम मुझे बहुत पसंद आए राहुल, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। फिर से मजाक। तुम्हारा बेदोही बन के मेरे भाग खुल गए। नमस्कार। आराम से बैठी हो ना, ये पकड़ो। Hold the guitar. गिटार लड़कियों के लिए बनाया गया था। ये जो इसका कर्व है ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह है, कम से नसीना की तरह। Where do I keep my fingers? पहले गिटार को प्यार से अपने पास ला, अपनी उंगलियां स्ट्रिंग्स पर रखो,
ये पिक बेकार है, बस उंगलियों से फील करो, स्ट्रिंग्स को टच करो, जस्ट फील इट। संजू का मुझे गिटार सिखाना मैं कभी नहीं भूल सकती, वो एहसास, वो पल, उसमें कुछ अलग ही बात थी। कोमल, उसके ऊपर तुम और तुम पर गिटार, ये क्या कर रही हो? गुरुजी वो तुम उसकी गिटार पकड़ रही हो और वो तुम्हें अपनी पकड़ में ले रहा है। क्या ये गलत है गुरुजी? तुम मेरी ब्रह्मास्त्र थी लेकिन आप तो अस्त्र वस्त्र सब बिखर गए। क्या करने यूरोप आई थी और यहाँ पे कर क्या रही हो? इस बेशरम के साथ अगर थोड़ी देर और रुकी तो शास्त्रीय संगीत तो खत्म हो गई और मैं चला जाऊंगा कोमा में। तुम्हारी पैंट किसने फाड़ी? क्या चीखड़े कर दिए, इज्जत का भाजी पला कर दिया, लूट गया मैं तेरे चक्कर में, मेरा मुंह काला हो गया, खंबे जैसी खड़ी है। चल ओए गुरुजी, वॉल्यूम लाउड हो रहा है। वॉल्यूम ज्यादा लग रहा है तुझे? हाँ। गिटार बजाने वाला मुझे वॉल्यूम सिखाएगा। वायलिन ब्रह्मा ब्रह्मा वायलिन। ए, तू होगा कोई ब्रह्मा वम्मा, मैं हूँ संजू, संजू चौहान। हर दो कौड़ी का गुंडा अपने आप को 30 मार खा ही समझता है। और भी दिखाता हूँ तुझे, यही रहना कहीं। हाँ, दिखाना। समझ गया? हेलो शर्मा जी, आपको मेरी बात सुन के शर्मा जाएगी। ऐसा क्या हो गया? आपकी बेटी पद भ्रष्ट होके नष्ट हो गई है। आ? आपकी सेहत का ख्याल करके मैं आज तक चुप रहा, लेकिन आज आपको बताना ही पड़ रहा है कि आपका खानदानी वायलिन टूट गया। वायलिन टूट गया? किसने तोड़ा? और किसने? आवारा संजू ने। कौन है ये संजू? उसका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड वो गिटार बजाता है और हम लोग वायलिन। सदियों से वेस्टर्न म्यूजिक क्लासिकल म्यूजिक को डराने की कोशिश कर रहा है। शास्त्रीय संगीत डेंजर जोन में है। कोमल को भी संभालना मुश्किल हो गया है, उसे भी अपने पास बुला लो। जानती हो तुम्हारी बेटी ने क्या किया? खानदानी वायलिन तोड़ दिया, हमारी परंपरा को तोड़ दिया। अब मैं दादाजी को क्या जवाब दूंगा? ऊपर जाओगे तब जवाब देना, पहले बेटी के हालचाल तो पूछ लो। वायलिन के साथ हमारी बेटी की भी ट्यूनिंग बिगड़ गई है। उस बूढ़े ने शादी नहीं की, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में बूढ़े का दिमाग सट गया है। उसकी बातों पर ध्यान क्यों दे रहे हो? भाभी जी मेरा हाल पूछ रही है ना। तुम्हारी भाभी को सिर्फ अपनी बेटी की ही चिंता है की परवाह। उसने क्या किया था? खुद तो वायलिन लेकर चोरों की तरह घर छोड़कर यूरोप भाग गया था और अब बड़ा आया हमें हमारी बेटी के बारे में प्रवचन देने वाला। लो मैं उस बूढ़े की खबर लेती हूँ। भाई साहब तबीयत ठीक है ना? घबराओ मत, मैंने सब सुन लिया। एक मैं हूँ कि जी जान लगा कि आपकी बेटी को नंबर वन वायलिन प्लेयर बनाने की सोच रहा हूँ, लेकिन अब गिटार आ गया है। टिंग टिंग टिंग। मैं अब आपकी बेटी को फोन दे रहा हूँ, उसी से बात करो और मेरा पीछा छोड़ दो। लो बात करो। कौन है वो लड़का? संजू ना बहुत अच्छा लड़का है माँ, अगर इतना अच्छा है तो उसे हाथ से क्यों जाने देना? अच्छा बताओ वो करता क्या है? वो एक बहुत ही फेमस गिटार प्लेयर है माँ। मैं? वो एक फेमस गिटार प्लेयर है, असल में वो लुच्चा लफंगा है। गिटार तो छोड़ो, उसे ताली तक बजाना नहीं आता। तू बिल्कुल टेंशन मत लेना बेटा, जल्दी से उसका पता भेज दे, तुम्हारे पापा उसके पापा से बात करेंगे। जाइए लड़के वालों से बात कीजिए। मैं क्यों जाऊँ बात करने? तो क्या पड़ोसी जाएंगे? नहीं जाओगे? नहीं जाओगे? देखा आपने, पति जब पुराना हो जाता है तो पत्नी के हाथ का वायलिन। क्या हुआ? फिर वायलिन बजाना शुरू किया? खबर आ गया, हर किसी की खबर लेने। बाप रे, ये क्यों आया? कौन है ये? बलवंत जी के साले, इंटेलिजेंट ऑफिसर, कंप्यूटर से ज्यादा तेज है। चलो देखते हैं। तुम्हारा नाम गोपी है ना? हाँ बिल्कुल सर। तुम चेहरे से सनी के दोस्त लगते हो और साथ ही बहुत बदमाश। और मैं? यहीं खड़े रहना, हम चेकिंग कर रहे हैं। तो अपनी माँ को भी जरा भेज देना। बोला था ना, इस घर का कोना कोना छान मारो, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझ गए? यस सर। गो। ये क्या हो रहा भाई? तबेले में चेक करो। मैंने तुझे शादी में बुलाया, ना कि कोई मंत्री के घर छापा मारने। खामोश। टॉयलेट तो अच्छी तरह चेक करना, ये भी क्लियर है। रात को फ्री हो? मामा जी आप यहाँ जाना। गॉड ब्लेस यू बेबी। सेकंड और थर्ड फ्लोर पर जाओ, थर्ड फ्लोर नहीं है तो फोर्थ फ्लोर पर जाओ। इंटेलिजेंस ऑफिसर रिपोर्टिंग यार। सर एवरीथिंग ओके सर? नो प्रॉब्लम सर। कैच इट, पेन, कैच इट, स्टैम्प, झुको। इट्स माय ड्यूटी सर। कैच इट, गम, बजट भी है सर। ओके, ये लो। अरे शादी में मिठाई बांटने के बजाय तू पेपर क्यों बांट रहा है? बहुत मारूंगा तुझे। ड्यूटी, इट्स माय ड्यूटी। मैंने अपने जीजा के घर तलाशी कर ली है और मुझे यहाँ पर कुछ नहीं मिला, इसलिए ड्यूटी ओवर। कम ऑन बॉयज। यस सर। अरे रुक जा साले, यहाँ देख, मैं तुझे मेरे होने वाले रिश्तेदारों से मिलाता हूँ। ये जो है, ये लड़के के पापा। यस सर। ये मामा। यस सर। ये फ्रेंड। यस सर। ये एनिमी। यस सर। वो लड़की की माँ, वो लड़की की चाची और आप लड़की के बाप। परफेक्ट सर। तुझे तो सब पता है, मैं हूँ खबरी लाल, हर बात की खबर रखता हूँ, सबको स्कैन करता हूँ। ड्यूटी ओवर सर। आराम का वक्त हो गया है, मूव। पीछे अरे सबसे मिल लिया, मेरे दामाद से तो मिल ले। सने। आज्ञा ससुर जी। खबरी लाल हो गई ना बत्ती गुल, देखिए फूल है ना कूल।
नमस्कार खबरी जी, इसे स्कैन करता हूँ। पहुंची हुई हस्ती है, पूरी झोल पार्टी है, इससे बच के रहना पड़ेगा। करेक्ट है। तेरा भांडा तो मैं फोड़ूंगा और मैं तुझे। सर फ्लाइट पकड़ना है सर। मैं फ्लाइट नहीं पकड़ूंगा, किसी और को पकड़ूंगा। जाओ। नौटंकी साला। क्यों साले साहब, मेरा दामाद है ना हीरा। तुझे भले ही वो हीरा लगता हो पर मुझे पता करना है वो किस खान से आया है। खबरी लाल की इंक्वायरी शुरू। यो। बोलो सनी। अर्जेंट बालकनी के पीछे वाले बरामदे में आ जाना, ठीक है? ठीक है। मैं भी आऊंगा। सनी मेरी आँख में कुछ गया है। अच्छा? देखो। मुझे लगा है मेरी भांजी को झांसा दे रहा है, पर ये तो कंफर्म आशिक है। कैसा लग रहा है? सुपर सनी। मैं मामा होकर इनकी जासूसी कर रहा हूँ, पर कहीं ये लोग सच में तो मुझे मामा नहीं बना रहे। श्रुति बोलो सनी, मुझे इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? मुझे मुझे एक्चुअली वो क्या है ना श्रुति, मुझे कुछ हो रहा है। श्रुति क्या हो रहा है? क्या हो रहा है कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है कि क्या हो रहा है कि क्या? अबे ओए, सीरियल किलर तो बहुत देखे, ये तो सीरियल किसर है। मेरी नाजुक सी भांजी पर रहम कर। ओए सनी छोड़ देना, रहम कर, मेरी कोमल सी भांजी बहुत नाजुक है, सच में मुझ पर गई है, छोड़ दे रे पगले। अरे बाप रे सनी, तू शराफत की मूर्ति नहीं, बहुत ही टेढ़ा है। जानू। अरे हाय जानू। निकलो। फिर से दिया बुझ गया, आज जरूर किसी की शामत आएगी। शामत नहीं, हम आए हैं। आपके आशीर्वाद और आपकी कृपा से मैं बच गया, मेरी लाइफ तो चितर बितर कर दी थी, है ना टट्टू? अगर बच गया है तो यहाँ फिर मरने के लिए क्यों आया? मैं आपकी गलत फैमिली दूर करने आया हूँ। अरे बलदेव मरे या गांगुली, मैं क्यों करूँ उंगली? आपकी दी हुई खाकी अगर बदन से चिपकी रही तो मैं पूरी जिंदगी काओ करके आपके सर पे मंडराऊंगा। क्या बोलते हो माता जी? हम कौओं पर तो भरोसा कर लेंगे, पुलिस वाले पर बिल्कुल नहीं। एक बार सोचिए सर, ये असली पुलिस वाला थोड़ी है। इससे पदवी देंगे तो आपका कुत्ता बनकर रहेगा, वैसे भी इलेक्शन आ रहे हैं, जैसे ही छू बोलेंगे भौ भौ करेगा। मुझे इस पर विश्वास नहीं। जानता था आप विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए प्राणों से भी प्यारी चीज मैं आपके पास गिरवी रखता हूँ। गिरवी? हाँ। ऐसा क्या है वो? मेरी जिंदगी है वो, जिगर का टुकड़ा, मेरे दिल की धड़कन, मेरी बहन के पति। लोगों को गहने गिरवी रखते हुए तो सुना था, लेकिन जीजा को गिरवी रखते हुए पहली बार सुन रहा हूँ। तुमने गद्दारी की तो जीजा की गर्दन काट के गार्डन में लटका देना। क्या हुआ, तत्काल क्यों बुला लिया? मुझे लगा किसी फिल्म स्टार या क्रिकेटर से मिलवाओगे, लेकिन यहाँ इस डर्टी पॉलिटिशियन के सिवा कोई है ही नहीं। दूसरों के मामलों में घुसा घुसा कर नाक लंबी हो गई है। बुढ़े, शादी की उम्र निकल चुकी, हार निकाल। आया, यहाँ एक गेस्ट आया, जल्दी से कॉफी लेकर आओ, जाओ। मेरी यूनिफॉर्म चुराई इन्होंने, पहनाई। फैंसी ड्रेस की दुकान है क्या? ये होम मिनिस्टर है जीजू। इतना ही नहीं, स्टेट के होने वाले चीफ मिनिस्टर भी। गड़बड़ हो गई, सीटी बज गई, पलटी मारो, निकल लो। सुनो, तुम रेखा पार नहीं कर सकते। क्यों, ये लोग लक्ष्मण रेखा है क्या? वहाँ लक्ष्मण रेखा के अंदर सीता माता थी, यहाँ तो ये रावण है। जरा ठीक से समझाओगे? इसने एक्सचेंज ऑफर में अपनी बहन के पति को गिरवी रखा, मतलब मॉर्गेज रखा। मैं तुम्हारे बाप की वसीयत में मेरी प्रॉपर्टी नहीं हूँ जो मुझे गिरवी रख दिया। अगर उस दिन रात को डिनर के टेबल पे शराब के नशे में आपने मेरी बेइज्जती नहीं की होती तो आज आपको गिरवी रखने की नौबत ना आती। अरे उस दिन शराब के नशे में तुम्हारी बेइज्जती की, लेकिन वो तुम्हारे काम तो आई। जीजू छोड़िए भी, मैं आपके लिए ना बिरयानी बना के लाती हूँ, आज बिरयानी दाढ़ी बनाएंगे। ए ओले, माता जी बुला रही हैं, कॉफी रेडी है।
मना कर दो, मैं सिर्फ चाय पीता हूँ। पीनी नहीं पिलानी है। तो फिर क्यों रे? बिस्किट क्या तेरा बाप देगा? चल जा, जाके कॉफी दे दे। इंतजार कर रही थी, ये पकड़ो। आपकी कुर्बानी जाया नहीं होगी। बकरे की कुर्बानी एक झटके में हो जाती, लेकिन यहाँ हर रोज मरमर के जीना पड़ेगा। अरे रामू, जल्दी कर रहे हैं। अभी आया सर, चलता हूँ। और कॉफी चाहिए? नहीं, जाओ। रवि, ये तुम क्या कर रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। दीदी, मैं जो कुछ भी करने जा रहा हूँ, इससे कोलकाता के इतिहास में नया इतिहास बनेगा। जो भी हो, मुझे इन बातों से बहुत डर लग रहा है। मुझे तेरी बहुत फिक्र हो रही है। फिक्र मत करो, मैंने एक नया प्लान बनाया है जिससे रिजल्ट्स बहुत जल्द सामने आ जाएंगे और मिनिस्टर धूल चाटेगा। रिजल्ट्स में पास हो या फेल, लेकिन इसकी एग्जाम की तैयारी उन्हें जरूर दिखाऊंगा। मुझे गिरवी रखा क्या साले? इस रूट की सभी लाइनें मीटिंग में बिजी हैं। एक वीडियो दिखाना है। कौन सा? ऊपर चलिए, अकेले आइए। कहाँ जा रहा है राजा? जीजा जी ने ऊपर बुलाया, जूस पिलाएंगे फिर वीडियो दिखाएंगे। ओह, तो इस बार जीजा जी का दिल तुम पर आ गया। कौन से दिल की बात कर रहे हैं? वो जरा उस टाइप के हैं, और उनकी नजरों को तुम भाग गए हो। गुड़ शहद शक्कर का चक्कर है क्या? जीजू से बच के रहना, उनके वेरी क्लोज मत जाना, वरना वो तुम्हें निचोड़ लेंगे। हाँ। ए बेटा जरा सुन, तेरे पापा टेढ़े हैं क्या? हाँ अंकल राजा, थोड़े से टेढ़े भी हैं और थोड़े से मेढ़े भी हैं। तुम्हारी माता जी ये बात जानती हैं? बबलू, पापा को बुलाओ, कहीं फिर से टेढ़ी मेढ़ी हरकत ना कर दें। आओ ना। मैं? क्या है ये? मैं हूँ। आओ, तुम्हारे पास आके खुद की कब्र नहीं खुदवानी। चीयर्स। आज जितनी पिला दी पैसे पड़े मिले क्या? आपने मेरी लाइफ बदल दी। ये 2% की टकिला क्या है? आप कहे तो ड्रम मंगवा लो। इतने छोटे से काम के लिए इतनी बड़ी पार्टी दे दी। 15 सालों से अपनी पार्टी के लिए खून पसीना बहा रहा हूँ। साले लोगों ने एक पार्टी में कोल्ड ड्रिंक तक नहीं पिलाया मुझे। जियो राजा। पीने के साथ साथ इससे कुल्ली भी कर सकते हो। बिल मैं भरूंगा। बिल्कुल नहीं, आज की ये पार्टी मेरी तरफ से है, इसलिए सब कुछ फ्री। ए, मत भूल कि तू भी एक मजदूर है, इस तरह पार्टी देगा तो मजबूर हो जाएगा। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये पूरा पब मेरा है। चोर बाजार की पतलून और कमीज पहनकर सेठ होने का ढोंग कर रहे हो? आपने बिल्कुल सही पहचाना, 3.25 साल पहले मैं इस पब में वेटर था। अच्छे दिन आ गए, मालिक बन गया। इतनी जल्दी तुझे करोड़पति किसने बना दिया? मुंडी उस तरफ करके देख ले। निरुपमा जी है, मेरी माता जी। माता जी पब में क्यों? प्रवचन दे रही है। प्रवचन नहीं, परिचय दे रही है। ऐसे हिल हिला के डांस कर रही है। अरे वो डांस नहीं कर रही है, लोगों को मन का सुख पहुंचा रही है। जिस तरह लोग हिमालय पर्वत और घने घने जंगलों में जाकर तपस्या करते हैं, उसी तरह वो इस पब में तपस्या कर रही है। उन्हीं की दी हुई रिंग से पब का एक मामूली वेटर, जो लोगों के झूठे बर्तन उठाया करता था, वो इस अखे पब का, मेरा मतलब पूरे पब का मालिक बन बैठा है। सनी लियोनी को इन्होंने रिंग पहनाई थी, आज वो हिंदी फिल्मों की स्टार बन गई। अरे इतना ही नहीं, एक ढीले को रिंग पहनाई थी, आज वो एकदम पावरफुल और कड़क हो गया। तुम लोगों को भी रिंग डलवानी है क्या? अरे कहाँ चला गया? ये किसने डाली? उस सिरफिरे ने आलिया को किडनैप कर लिया है। तुम्हें एक मर्द की तरह उसे बचाना होगा। वो एक बच्चा है, मेरी मार से कहीं मर न जाए। अगर तुमने उसे बचा लिया तो मैं तुमसे शादी करूंगी। आज ही मैरिज हॉल बुक करवा लो, शादी का खर्चा तुम्हारा हनीमून मैं स्पॉन्सर करूंगा। कल तक उसका नाम राशन कार्ड से कट चुका होगा। कोई भी न्यूज चैनल देख लेना, सब जगह यही ब्रेकिंग न्यूज होगी। इसे तुम्हारी हेल्प के लिए बुलाया है मैंने। आलिया ने उस फ्रॉड पर भरोसा किया, दोनों मिलकर उसे बचा लाएंगे। एक गाड़ी में चलेंगे तो पेट्रोल की बचत होगी। हाँ।
भाई बाहर निकाल, जल्दी बाहर आ। तुम्हारे विधानसभा जितने बड़े घर से डरने वाला नहीं हूँ। हिम्मत है तो मुझसे सामना कर, बाहर आ। उस सड़क छाप गुंडे को मेरे हवाले कर। अब ये कौन है? कॉमेडियंस की कमी थी जो ये आ गया। क्यों बे चिरकुट, इस अबला को किडनैप किया? रुक अभी तेरी खबर लेता हूँ। ये जोकर कौन है? लड़की का बाप है और वो दूसरा इसका मंगेतर है। इनके सामने से तो इसे उठा लाया था। मेरी होने वाली बीवी को किडनैप किया इसने। इंस्पेक्टर, गो एंड अरेस्ट दैट फेलो, ब्रिंग दैट क्यूट गर्ल टू मी। थोड़ी देर चुप रहेंगे सर? सर, कंप्लेंट है कि इस गुंडे ने इस लड़की का किडनैप किया है। क्यों मैडम, क्या ये सच है? अगर तूने उस इंस्पेक्टर से सच कहा तो तेरे बाप और होने वाले पति को यहीं जिंदा काट दूंगा। ये झूठ है, मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर आई हूँ। हेलो हेलो हेलो, कान में फुसफुसाया, वो बेबी डरी हुई है। मुझसे पंगा मत ले, पूरे स्टेट में मेरे नाम का टेरर है। यहाँ का सीएम मेरा बेस्ट फ्रेंड है। यहाँ के गवर्नर के साथ बचपन में मैं कंचे खेलता था और पीएम मेरा क्लासमेट था। अरे रे, देखो इसके मासूम मुखड़े को, इसे किडनैप करने का सोचा भी कैसे? गुंडागर्दी करता है, मैं हूँ ना। हम चलते हैं सर, गाड़ी स्टार्ट कर। तुम्हारी जोड़ी परफेक्ट है, मैं चलता हूँ। मैं भी चलता हूँ। रुक जा, इस टिंगो को उठाकर अंदर ले आओ। बड़ा सीएम से लेकर पीएम तक का रिश्ता बता रहा था, अच्छे से खातिरदारी करो इसकी। बाथरूम? बाथरूम करके आया हूँ, नहा के भी आया हूँ। I'm sorry, अगर उसे चुप नहीं कराता तो हमारा मिशन यहीं खत्म हो जाता। मैं अभी डॉक्टर विश्रांत को फोन करके सच्चाई बता देता। उसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों, तुम्हें डर लग रहा है? देखो, वो तुम्हारा होने वाला पति है, उसे तुम्हारी फिक्र है। मैं उसकी जगह होता तो मुझे भी फिक्र होती। रुको, मेरी बात सुनने के बाद फोन कर लेना। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो उसे फोन कर लो। अब मैं क्या कहूँ? वो कुछ कहने की जरूरत नहीं, तुम पास हो इतना ही काफी है। हेलो संध्या। वीरा, तुमने फोन नहीं किया? मैंने सबकी अच्छी खासी धुलाई कर दी है। डोंट वरी, आलिया को लाए बिना नहीं लौटूंगा। लौटने के बाद बिना वक्त गवाए तुमसे शादी कर लूंगा। ये मैटर मीडिया तक नहीं पहुंचना चाहिए। कहो तो पुलिस कमिश्नर से बात करूं? बिल्कुल नहीं। ओके। आई, क्या बात है डॉक्टर, इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? एक ट्रीटमेंट है जिससे आपका भाई पूरी तरह ठीक हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो? जनरली ऐसे केसेस में अगर हम पेशेंट को यकीन दिला दें कि हमें उनकी आत्माओं से बात करने की स्पेशल पावर पर यकीन है तो वो पॉजिटिव होकर ठीक हो सकते हैं। ये डॉक्टर सिद्धू, मेरा फ्रेंड साइकियाट्रिस्ट है। जब नंदू किसी आत्मा को बुलाएगा तो ये आत्मा बन के उससे बात करेगा। आपको और आपके घर वालों को इसे ना देखने की एक्टिंग करनी होगी, तब जाके नंदू को यकीन होगा कि वो आत्मा से बात कर रहा है, फिर वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अपने भाई के लिए मैं कुछ भी करूंगी डॉक्टर साहब। विपिन सुनो, नंदू को लेकर आओ। कैसे हो नंदू? आओ आओ। मैं आत्मा को छोड़ के किसी से बात नहीं करता, इसलिए तो तुम्हें बुलाया। तुम ठीक हो चुके हो, अब तुम किसी भी आत्मा से बात कर सकते हो। सच में डॉक्टर, एक पपी तो लेकर ही रहूंगा। बैठ नीचे। ठीक है, बैठ गया। इसे अपने सामने रखो। बर्फ का गोला? ये आत्माओं को बुलवाने का फोन है। पर नंबर का है? अरे इसमें का क्या? वॉइस कॉलिंग वाले फीचर्स हैं। आवाज दूंगा तो इसमें से आत्मा निकलेगी, लेकिन पर्सनल लेवल पे मैं किसी आत्मा को नहीं जानता। फेसबुक पर इसने तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। ये हैंडसम जिंदा है या मुर्दा? ताजा ताजा मौत हुई है, जवानी में मरा, इसलिए स्मार्ट लग रहा है। गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई इसलिए सुसाइड कर लिया। इसका नाम सिद्धू है, चाहो तो बात कर सकते हो। क्या मस्त आत्मा ढूंढी है, मैं उसे अभी बुलाता हूं। हां बुला। मेरी अच्छी आत्मा सिद्धू, प्लीज यहां आओ। यस कम ऑन सिद्धू, मैंने तुम्हारा नाम डायल किया है, मेरे नेटवर्क एरिया में आ जाओ। तुमने मुझे बुलाया नंदू? ये आपने सच कहा, मेरा नया फ्रेंड आ गया। मैं सिर्फ अपने सच्चे दोस्तों को ही दर्शन देता हूँ। दीदी देखो ना, वो आत्मा मुझसे बात कर रही है। पर मुझे तो नहीं सुनाई दे रहा। आप नहीं सुन सकते, सिर्फ मैं ही सुन सकता हूँ। तू हैप्पी है ना? वेरी वेरी हैप्पी। घर चलते हैं। तुम भी चलो ना। दोस्त को याद कर, मैं आ जाऊंगा। बाय बाय सोलमेट। चल नंदू घर चलते हैं। हाँ चलो चलो घर चलते हैं। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। चलो बाय बाय बाय। इसको ले जाओ, घर ले जाओ। थैंक यू डॉक्टर। नमस्ते मैडम। हाँ, छोटे मालिक को क्यों लाई? आज से नंदू घर में ही रहेगा। जब वो कहे आत्मा से बात कर सकता है तो तुम सबको उसकी हाँ में हाँ मिलानी होगी। जैसे ही वो ठीक होगा, बाबू हटेला की बेटी से उसकी शादी करवा देंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। आज नंदू का डॉक्टर सिद्धार्थ घर पे आने वाला है, जब वो आए तो उसे अंदर आने देना, समझ गया?
ए पप्पू फुग्गू गुलबिया बिपिन जल्दी आओ सब लोग इधर आओ। ए कौन है तू? ए शिवा एक मिनट रुक अम्मा जी ने इसी डॉक्टर को बुलाया था। हाँ ठीक है जाओ अंदर आओ मेरे साथ। सिद्धू मेरी प्यारी आत्मा चलो बाहर आ जाओ। कौन सी आत्मा की बात कर रहे हो? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। आ जाओ भाई देखो आत्मा तो आ गई। ए ये आत्मा सिर्फ मुझे ही दिख सकती है। बोल गया हम लोगों को आत्मा नहीं दिखती है। आपने सच कहा हमें तो कोई नहीं दिखाई दे रहा छोटे मालिक। ओके ओके तुमने मुझे बुलाया नंदू। ए गुंडा पार्टी। हाँ छोटे मालिक अभी इनसे मिलो। ये सिद्धू मेरी आत्मा फ्रेंड। कौन सी आत्मा मालिक हमें तो नहीं दिखाई दे रही। अरे कैसी बात करता है ब्लडी फुल ये सिर्फ मुझे दिखाई देती है। आओ मैं तुम्हें जूस पिलाता हूँ। चलो इतने बड़े घर में तुम्हारे अलावा और कौन रहता है? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? आत्मा को सब पता होता है ना। हर आत्मा का जी के अलग होता है। ऐसा क्या? जूस। थैंक यू। आप भी लीजिए ना बाबूजी। ये क्या कर रही हो? ये तो सिर्फ मुझे दिखाई देता है तो तुम जूस कैसे दे सकती हो इस आत्मा को? ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। अभी तो तुमने सामने किया था। माजी ने कहा था कि आपके साथ कोई आत्मा आने वाली है इसलिए मैंने बिना देखे हाथ बढ़ाया। ओके ओके दे दो। अरे बाप रे बाप गिलास कैसे हवा में उड़ रहा है। सच में? महिमा जी मैम साहब छोटी मालकिन का खाना तैयार हुआ? तैयार है बस अभी लाई। जल्दी लेकर आ। एक बात पूछूं ये छोटी मालकिन कौन है? अच्छा वो मेरी भांजी है। कुछ दिन पहले अपनी शादी के मंडप से भाग गई थी इसलिए उसे रूम में लॉक करके रख दिया है और बाहर सिक्योरिटी भी है। एक बार उससे मिल सकता हूँ? बिल्कुल नहीं मेरे अलावा उस रूम में कोई नहीं जा सकता। लेकिन मैं एक आत्मा हूँ तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं देख सकता। करेक्ट बोला। आ जाओ चलो अंदर आ जाओ। भांजी तुम इतनी शौक क्यों दिखाई दे रही हो? ओहो मैं हॉस्पिटल से घर आ गया हूँ ये तुम्हें नहीं पता था ना। और जानती हो मेरे साथ कौन आया है? मेरी आत्मा फ्रेंड सिद्धू। तुम उसे नहीं देख पाओ। ये क्या टॉर्सन इधर? अगर इसने मुझे यहाँ देख लिया तो मुझे फिर से हॉस्पिटल पहुँचा देगा। चलो चलो तू जा मुझे नहीं देख सकता। सही कहा मैं निकल लेता। Nice hairstyle. 24/7 तेरे बारे में टेंशन ले लेके मेरे सर का ये हाल हो गया है। तेरी तो hey! एक बुड्ढा टकला जिसका नाम है कटप्पा मेरी तरह वैसे घूर रहा है जैसे उसकी वाइफ मेरे साथ हनीमून पर गई हो। मेरी फैमिली हिस्ट्री कब बताओगे? भाई जेल में है बहन तड़िपा रहे और कुछ जाना है तेरे को? मुझे जन्म देने वाली कहाँ है? वो देख सामने लकड़ी चुन रही है। वो औरत? हाँ लेकिन वो तो मेरी नानी लगती है। प्रोड्यूसर का चेक बाउंस नहीं हुआ होता तो फेशियल करवा कर तेरी छोटी बहन लगती। लाइटर चोरी करके लकड़ियों को जला कर अपने बाप के दुश्मन देवड़ू को भस्म कर डाल। उसके लीवर किडनी को चोर बाजार में बेच कर रात को पार्टी करेंगे। You mean am I? Sivudu, son of Sahubali. Sahubali, Sahubali. Balal Deva. क्या हुआ मॉम गला क्यों फाड़ रही हो? क्या यही है वो स्टूपिड बलाल देवा? प्रोड्यूसर का साला है इसलिए स्ट्रॉन्ग रोल इसे मिल गया। इसकी तो पूरी फैमिली का नक्शा बिगड़ा हुआ है। ए तो चुप कर बलाल देवा। 50/100 के किले को बचाने की तैयारी करो। गो चेंज द कॉस्ट्यूम। आर यू मैड? ये सच का किला नहीं है फालतू का किला है। बुड्ढे को भेजो। अरे फाइटिंग सीन पिटने का सीन कॉमेडी सीन सब मैं करूँ। जब तक मुझे किसिंग सीन नहीं मिलेगा मैं कुछ नहीं करूंगा। इनफ कटप्पा यू हैव टू गो।
हिडिंबा का जीजा है क्या? काला केडू, तबेले में पैदा हुआ, इससे गोबर की बात आती है। इसे सीधे नर्क पहुंचा दो, यही वो दुष्ट है जिसने मेरी सेल्फीज को डिसलाइक किया है। ये गाली दे रहा है क्या? ये कह रहा है कि तुम्हारी माँ को मॉडल होना चाहिए, मिस इंडिया के कॉन्टेस्ट में भेजना चाहिए। Hey, if you want, then go and kill her. You are most welcome. कह रहा है पहले इसे ही मार दो। Hey, काला खट्टा, तेरा वाद मैं ही करूँगा। जय बासमती राय। जय बासमती। जय बासमती। Thank you. मिलते हैं। Thank you. Hi जगन। Hi चंदू। मस्त एक्टिंग की। Hi. ये मेरा फ्रेंड है सिद्धार्थ। हेलो सर, नाइस टू मीट यू, आई एम जगन द रेकलेस स्टार। आई एम ब्रेनलेस स्टार। क्या परफॉर्मेंस है, फिल्म कहाँ रिलीज होने वाली है? ये अभी कई लैंग्वेज में डब होने वाली है। 300 करोड़ तो पक्के हैं। हाँ, वैसे शॉर्ट मेमोरी की वजह से हम सबको भूलने और उल्टे डायलॉग बोलने की बीमारी है। ओके ओके ओके, आपके परफॉर्मेंस में तो फायर थी, कल ऐसा ही फाड़ू परफॉर्मेंस मेरी फैमिली के सामने भी देना। 2 मिनट नूडल की तरह साहूबली से परफ्यूम प्रसाद बन जाना। समझ लो अभी परफ्यूम प्रसाद से ही बात कर रहे हो। मैं चाचा बन जाऊंगा और ये चाची। जलवे दिखाऊं? ये लाइव परफॉर्मेंस है सर, हर इमोशंस के अलग अलग रेट है। TDS काट कर ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा। ये वही नाटक मंडली है क्या? हाँ। दुबई के नहीं, डोंगरी के लगते हैं। इतनी पेमेंट में अमिताभ और ऐश्वर्या आएंगे क्या? अपने अपने कैरेक्टर में रहना, डायलॉग तो याद है ना? डायलॉग छोड़, अभी मेरी परफॉर्मेंस देख। अरे सिद्धार्थ। जी चाचू। तूने कहा था ना कि मेरे दिमाग की बत्ती गुल हो गई है, जरा उस पर रोशनी डाल और बता परफ्यूम प्रसाद कौन है। जो भी होगा वो आपको पहचान लेगा ना। जल गई बत्ती। गुड रामू, तुमने एकदम सही कहा भैया। इनको भी अल्जाइमर है क्या? एक मिनट रामू, आई लव यू। हम लोग तो 20 साल के बाद मिले हैं, लेकिन तुम बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो। भाई साहब, आपके लिए एक टोकरी परफ्यूम लेकर आए थे, जानते हैं रास्ते में ही खत्म हो गई। ये परफ्यूम बनाते हैं पर शायद चेक करने में खत्म हो गया। अरे क्या कर रहे हो, मैं हूँ रामा राव। आया ना गुस्सा, मुझे 24 घंटे हो गए यहाँ पर आए हुए, लेकिन तुम्हें मिलने के लिए अब टाइम मिला। तुम्हें रमा रहो, मैं जाता हूँ। देखा, ये नाटक कर रहा था। नाटक करना हमारा पेशा है। अरे भाई, सारी बातें क्या खड़े खड़े कर लोगे, अंदर भी आ जाओ। पहले तुमने गड़बड़ की, अभी मत करना। तू टेंशन मत ले, मैं देख लूंगा। मेरा भाई हमेशा आप लोगों की बातें करता है। हमने तो कल पहली बार उनका नाम सुना। इनका मतलब है कि कल ही चाचा ने आपके बारे में बात की है, उसकी बात। आपका बिजनेस? मतलब मेरा? सिर्फ तुम्हारा नहीं, हम सबका। सेपरेट बिजनेस है क्या? हमारी लिमिटेड कंपनी है, इसकी अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। यहाँ पर मेरी वाली बेटी कौन सी है? ये किसे माँ बाप का रोल दे दिया? क्या मतलब, अपनी बेटी को नहीं पहचानते? ये क्या मम्मी, कुछ दिन फोन नहीं किया तो आप तो मुझे भूल ही गई। खड़ी क्यों हूँ बेटी, पापा के पाँव छो। अपनी बेटी को आशीर्वाद दीजिए पापा। अपने पापा को भूल गई बेटी। मैं आपके पैर नहीं छूने वाली। मुझे हर रोज फोन करने का प्रॉमिस किया था, लेकिन एक बार भी फोन नहीं किया। जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती। ऐसा नहीं कहते, ये तुम्हारे पापा हैं। पर बेटी जैसा प्यार कहाँ करते हैं? क्या पकाओ ड्रामा है, होप खाना तो इंटरेस्टिंग होगा। आपका बेटा है? ना जी, मेरे MD का बेटा है। ये क्या, MD क्यों बुला रही, उनका नाम ले तू। एक्चुअली ये मुझे प्यार से MD बुलाती है। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? जौहर करण। और तुम्हारा नाम? अख्तर फरहान। दरअसल ये भाग मिल्खा भाग देखते हुए पैदा हुआ था। वो तो 4 साल पुरानी फिल्म है। अरे आप फिर भूल गए, ये तो रॉक ऑन के जमाने से उसकी फैन है ना। वो क्या है कि मैं फरहान के डाई हार्ट फैन हूँ ना। जिसके लिए यहाँ आए थे उसके बारे में बात करें। एक बात करनी थी, आपकी प्यारी बेटी 1 हफ्ते से हमारे घर में है, काफी घुल मिल गई है। हाँ? इतने दिनों से सिर्फ घुल ही मिली है, मैं होती तो जोक की तरह सबसे चिपक जाती। हाँ? इसका मतलब है कि 2 दिन में सबका दिल जीत लेती। अगर आप सहमत हैं तो अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ, आपको कोई एतराज तो नहीं? चलो। तुम इससे प्यार करती हो? मेरे लाड प्यार का ये सिला दिया। बचपन में तुम्हें पोलियो के ड्रॉप्स अपने हाथों से पिलाए थे, और अब तुम्हारी वजह से मुझे इतने सारे पॉइजन के ड्रॉप्स पीने पड़ेंगे। मेरी नाक कटवाओगी क्या? अगर तुम्हें उसकी अंगूठी पहननी है तो मेरी डायमंड रिंग इसी समय उतार दो। जाइए, मैं नहीं उतारती। उतार इसे, उतार, उतार। नाउ यू वेट माय टर्न। अरे तुमने अपने इस अंकल के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? जब तुमने 5 रुपए की कुल्फी मांगी तो मैंने 25 रुपए की चोकोबार खिलाई,
जब तुमने डॉल मांगी तो मैंने बारबी का सेट लाकर दिया और तुमने हम सबको इग्नोर करके इस लुक्खे से प्यार किया। अगर तुम्हें इनकी ओरिजिनल गोल्डन चेन पहननी है तो हमारी दी हुई ये नकली चेन तुम्हें अभी के अभी उतारनी होगी। अरे भाई क्या कर रहे हो तुम, निकालो। पहले पूरी बात तो सुन लो। आपको गलतफहमी हुई है, ये आपस में प्यार नहीं करते। वो मैं खुद ही चाहता था कि इनकी शादी हो जाए। इस बारे में शैलजा को भी कुछ नहीं पता। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो इनकी शादी के लिए हाँ कह दीजिए। ठीक है, पहले पेमेंट की बात हो जाए। नो प्रॉब्लम सिद्धार्थ। ए, क्या जरूरत थी पापा के सामने ओवर एक्टिंग करने की? इसमें हमारी गलती नहीं है, तुम्हारे पापा तो सीधे क्लाइमैक्स सीन पर आ गए, हमारे एक्टर होने का फायदा क्या हुआ? देखो भाई सिद्धार्थ, तुमने जितना पैसा दिया था उतनी डायलॉग डिलीवरी हो गई है, एक्स्ट्रा डायलॉग के लिए एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। नॉन एक्टर साला। प्रसाद जी, हमारी तरफ से कोई जल्दी नहीं है, आपस में डिस्कस कर लीजिए और उसके बाद जवाब देना। हम इंतजार कर लेंगे। सिद्धार्थ चलो। देख लूंगा, लगता है प्रोड्यूसर बदलना पड़ेगा। हाँ सोचते हैं। देखो आज हम लोगों को यहीं रुकना पड़ेगा, समझ गए? चलो मेरे साथ। ए, रुक जा। आज ये मेरी बीवी है। तुम्हारी नकली बीवी है, मेरी टाइम पास गर्लफ्रेंड है। मरसेलो दादी ने कहा था किस महल के राजा की वो गर्लफ्रेंड थी, अगर उन दोनों की तस्वीर मुझे इस महल में मिल जाए तो मैं भी रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा और इस महल पे जो मेरा हक है वो भी मुझे मिल जाएगा। जी बिल्कुल। और उसके बाद आप इस राजमहल के राजा और हम सेनापति बॉस। बॉस सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे एक बात तो बहुत अजीब लगी। वो कौन सी बॉस? अक्सर हम वो चीज फेंक देते हैं जो हमारे लिए बेकार हो, लेकिन बेकार होने के बाद मेरी दादी मेरे लिए इतने काम की होगी ये मैंने सोचा नहीं था। मेरी दादी माँ वो 100 में से एक थी। पटाका थी बॉस। क्यों बे, मेरी दादी के नाम से तेरा मुंह क्यों खुल गया? मेरा मुंह वहाँ देख के खुला। ये कौन है बे? गार्डन के बीच में कैक्टस के पेड़ की तरह अचानक आकर खिल गया। ये चोर है बॉस, मुझे लगता है यहाँ राजमहल में चोरी करने आया होगा। मेरी जायदाद पे ये कैसे चोरी कर सकता है? ये मेरी दादी की मेहनत है बे, इससे तुम्हें क्या करता है बॉस? कौन है? ये तो मुझसे भी ज्यादा तेज है। ये पत्थर पत्थर खेल रहा है। उसकी इतनी हिम्मत की तुम्हारी भाभी को ये पत्थर से मारे। जरा डंडा दे, मैं इस मजनू को अभी सबक सिखाता हूँ। आओ मेरे पीछे। अरे कहाँ गया? अरे ढूंढो। यहाँ भी नहीं है। यहाँ भी नहीं है। यहाँ क्या कर रहे हो? फोटो के लिए आए थे। फोटो? बेशरम कहीं के तुम्हें तुम्हें। अरे वो मारने वाली, भागो भागो। अरे कहाँ जाए? पकड़ोगी तो मैं असली चोर होता, तू भी भागने की कोशिश नहीं करता। हाँ मैं चोर हूँ, मत छोड़ो, छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। Excuse me मैडम, इसके बॉस हम लोग हैं, हम सरेंडर करने आए हैं। नहीं नहीं, मैं इनका बॉस हूँ, मुझे पकड़ो। इसकी बॉस हो? मजा आ रहा है। पता नहीं था चोर की किस्मत इतनी अच्छी होती है। क्या दुनिया है, एक लड़की के लिए अपने बॉस से धोखेबाजी कर दी, इनकी तो मैं। देखो तुम्हारी क्या हालत होती है, चोरी करने आए थे, मैंने ही नहीं पकड़ लिया। अरे नहीं नहीं, हमें देखो, हम क्या चोर दिखाई देते हैं, घर में खाना बनाने की नौकरी मांगने आए थे मालिक। मालिक कहा? इसने मुझे मालिक बुलाया, इसने मुझे मालिक बुलाया। अरे चुप करो। क्यों भाई, अगर काम मांगना था तो अकेले आते, ये दो चमचों को लेकर साथ भजन करवाने आए हो। मेन खाना तो मैं बनाता हूँ, लेकिन उसमें प्याज और लहसुन डालने के लिए ये दो असिस्टेंट रखे हैं। असिस्टेंट क्यों, मुझ पर पत्थर फेंकने के लिए? हाँ पत्थर हमने नहीं मारा, वो एक बटला सा आदमी। ठीक है, काम तो मिल गया ना, अब ये सब बातें किस लिए? यहाँ क्या हो रहा है? महल के मालिक ने नया बावर्ची रखा।